Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Earn Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'll be covering the very important topic of the day, that is research aptitude. And what we are going to do is iski types karenge hum, theek hai? So iske upar kyunki basically question answers exam mein bahut baar puche jate hain, so maine aapko socha ki sabhi ke sabhi types ko kyun na crux points jo hote hain, jo basically hamara study ka main motive hota hai ki key points ke through hame cheeze pata lag jaye. So key points ke through aapko main types of research is lecture video ke through karwane ki koshish karungi, theek hai? So let's get started without wasting any time. So सबसे पहले जो हमारी first research होती है, that is called basic research, जिसको हम pure research भी बोलते हैं and fundamental research भी बोलते हैं. So पहली जो research है हमारी basic research, जिसे pure और fundamental research भी बोलते हैं, ये क्यों करी जाती है? ये basically अपनी knowledge को enhance करने के लिए की जाती है. किसके लिए की जाती है? जनरलाइजेशन के लिए करी जाती है. मतलब अगर हमें कोई थियोरीज फॉर्मुलेट करनी हो, ठीक है, कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देनी हो, स्पेसिफिक से जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देनी हो, तब हम ये टाइप ऑफ रिसर्च करते हैं, ठीक है ना. जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेसिक जो रिसर्च होती है वो होती है हमारी बेसिक रिसर्च, ठीक है. ये क्यों की जाती है? बेसिकली इसकी ये याद रखना है, ये नॉलेज का बेस एक्सपैंड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, और बढ़ाने के लिए, नॉलेज और बढ़ाने के लिए हम इस तरीके की रिसर्च को करते हैं. इसकी कभी कभी प्रैक्टिकल रेलेवेंस होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती. कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, ठीक है. सो इससे आपको याद रखना है, जो बेसिक रिसर्च होती है बेसिकली एड ऑन्स के लिए होता है. कुछ चीजें और ऐड कर ले, एक्स्ट्रा मिल जाए और नॉलेज मिल जाए. सो बेसिकली एनहांसिंग नॉलेज के लिए ये करी जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च जो कि हमारी है बेसिक रिसर्च. नेक्स्ट चलते हैं अप्लाइड रिसर्च. स्टूडेंट्स आर जनरली कंफ्यूज्ड विद अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च. अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. सो जो मेन इसका क्रक्स है ना, वो आपको कैसे याद रखना है इन दोनों में. सो आपको इसका मेन क्रक्स कैसे याद रखना है वो मैं आपको करवाती हूँ. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अंडर हियर इज दैट जो अप्लाइड रिसर्च होती है, उसमें जो प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी फेस कर रहा होता है. दैट इज अप्लाइड से आप खुद रिलेट नहीं करते हो. इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू. लेकिन जब बात जब आपको लगे कि हाँ जी आप डायरेक्टली चीजों से रिलेट कर रहे हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, टीचर उसको सॉल्व कर रही है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च. जब कोई प्रॉब्लम आप खुद फेस कर रहे हो, दैट इज प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है. बाकी सारी चीजें अप्लाइड की ही चलेंगी हमारी. कौन कौन सी अप्लाइड की? लाइक इसमें हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं. प्रॉब्लम कहीं पर भी हो सकती है, गवर्नमेंट, सोसाइटी, बिजनेस. सो बेसिकली जो हमारा अप्लाइड रिसर्च होता है, वो हम उस प्रॉब्लम की यहाँ पर बात करते हैं जो हमने फेस कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन फेस कर रहा होता है. और एक्शन रिसर्च में हम खुद फेस कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम, ठीक है ना. सो ये एक्शन और अप्लाइड का कभी भी कोई लाइन लिखी जाए तो इससे आपको आराम से पता लग जाएगा कि कौन से रिसर्च के बारे में पूछा गया है. उसके बाद आता है गाइस एम्पिरिकल रिसर्च. एम्पिरिकल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं. एंड यू नो देयर आर टू फैक्टर्स अंडर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च. एक होता है हमारा कंट्रोल वेरिएबल, एक होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ फेयर एंड लवली की, 10 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स को फेयर एंड लवली, 10 गर्ल्स है तो 6 कर देते हैं ताकि आपको नंबरिंग में कंफ्यूजन ना हो. 6 गर्ल्स के ऊपर फेयर एंड लवली अप्लाई करी, 4 के ऊपर नहीं करी. सो जिसके ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल. जिसके ऊपर कंट्रोल करा हुआ है उसको नहीं अप्लाई करा, और जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस फेयर एंड लवली लगाई जिसके ऊपर, उसे हम बोलेंगे
कौन सा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सो बेसिकली यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी आए, एक तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, दूसरा याद रखना है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताता है, ये जो चीज़ें करी जाती हैं बेसिकली लार्ज वैल्यू पर, लार्ज वैल्यूज पर करी जाती हैं. एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करें कि हमारा जो डॉलर या डॉलर है वो इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अप्रिशिएट की हो रहा है या इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर डेप्रिशिएट की हो रहा है. सो किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट लार्ज लेवल पर, अब लार्ज लेवल आप देखेंगे हमने डॉलर की बात करी है और रुपी की बात करी है, इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करी है, बड़े लेवल पर है ना, एक छोटे से कॉलेज की तो नहीं ना बात करी. तो जब कोई चीज लार्ज लेवल पर होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसमें मैनिपुलेट करते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. अब मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं इसका मतलब क्या है, इसको समझे. मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब हमारे पास एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो उसे कंट्रोल करना होता है, उसे अपनी स्टडी से बाहर निकालना होता है. क्यों, हमने स्टडी ये वाले डिपेंडेंट वेरिएबल और ये वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की करनी होती है, ठीक है. एंड इफ यू नो डोंट नो द डिटेल्स ऑफ इट, डू वॉच माय अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मैंने सारा का सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि क्या होता है ये सारी चीजें. सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. जब हम एटीट्यूड को जानते हैं, ओपिनियंस को जानते हैं, ये टेस्ट के थ्रू, टैट हो गया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लाइक सबकी पसंद निर्मा, आगे ना सबकी पसंद डैश, तो आप बताएंगे निर्मा. सो इस तरीके के टेस्ट क्वालिटेटिव के से रिलेटेड होते हैं. जब हमने देखना हो आपको कि याद है ऐड, क्या आप उसे रिलेट करते हैं, क्या आप उसे खरीदते हैं. सो कस्टमर बेस्ड रिसर्च होती है, इसके लिए हम ये क्वालिटेटिव रिसर्च को हायर करते हैं. उसके बाद होती है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव आपको पता है बेस्ड ऑन फिगर्स एंड नंबर्स होती है, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, कितने मेल मेंबर्स है, कितने फीमेल है, क्वांटिटी जिसको हम टर्म्स में 1, 2, 3 में मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड. लेकिन एटीट्यूड को तो नहीं ना मेजर कर सकते, इसका एक एटीट्यूड है, इसका दो एटीट्यूड है. सो इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च. उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल को हमने कंपेयर करना होता है, हमने कंपेयर करना होता है इसको क्रॉस सेक्शनल के साथ. तो यहां पर लिखती हूँ साथ में क्रॉस सेक्शनल. When I say longitudinal research, इसका मतलब है same person है, जैसे fair and lovely हम बोले, तो fair and lovely को हमने 10 सालों तक for example लगाना है, 5 सालों तक लगाना है, same persons, जैसे हेमा रेखा जया और सुषमा, हेमा रेखा जया और सुषमा, ये जो चारों के चारों लड़कियां ना, इस पर fair and lovely लगानी है. और 5 साल के बाद देखना है कि हेमा रेखा जया और सुषमा की स्किन पर कोई चेंजेस आए, तो इट मीन सेम पर्सन है और हम लॉन्ग पीरियड कर इस पर देखते हैं. लेकिन क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड होता है हमारा और पर्सन भी डिफरेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लोकैलिटी से कर लिया, फिर डिफरेंट लोकैलिटी से कर लिया, ठीक है, डिफरेंट लोकैलिटी से कर लिया. सो लॉन्गिट्यूडिनल में सेम पर्सन लॉन्ग पीरियड, क्रॉस सेक्शनल में शॉर्ट शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पर्सन लिख दिया, शॉर्ट पीरियड एंड डिफरेंट पर्सन, ये आपको याद रखना है, ठीक है. सो एक तरीके का आपको क्रक्स बता रही हूँ, जो चीजें आपको लास्ट टाइम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी. सिमुलेशन रिसर्च क्या होता है, सिमुलेशन रिसर्च इज लाइक क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. आपने अपने घर पर आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बनाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम बना दो, ठीक है, ऐसे अपने भाई बहनों को बच्चे बना दिया और आप उन्हें पढ़ा रहे हो, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, सिमुलेशन. सो जब हम आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट करके कोई किसी तरीके की रिसर्च करते हैं उसे बोलते हैं सिमुलेशन रिसर्च, ठीक है. टू नो मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू विजिट अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म. वहां पर आपको सारी की सारा रिसर्च एप्टीट्यूड मिल जाएगा, विद MCQs मिल जाएगा, प्लस आपको डिटेल्ड में ये सारी चीजें हो जाएंगी. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.